stay safe at your home. So today we will learn unit fraction. Okay, unit fraction and mixed fraction. Page number 61. Okay, so now let's start. Unit fraction means a fraction in which the numerator is 1 is called a unit fraction. जिस fraction में numerator 1 होगा उसे हम क्या कहेंगे? Unit fraction. Okay, 1 upon 2, 1 upon 9 are unit fraction. All unit fraction are proper fraction. जो भी unit fraction है उसे हम proper fraction भी बोलेंगे. Okay, then next है mixed fraction. Mixed fraction means improper fractions can be written as mixed fraction. जो improper fraction होते हैं उसे हम mixed fraction में write करते हैं. Okay, when we combine a whole number with a fraction, we get a mixed number. जब हम combine करते हैं whole number को fraction के साथ तो उसे हम क्या बोलते हैं? Mixed fraction. Okay, so if three chapatis are shared equally by two people, each one will get one and a half chapatis. Okay, three chapatis हैं आपके पास, रोटियां हैं, three रोटियां. So उसमें से हमें दो लोगों को, two people को equally हमें divide करना है. Okay, equally divide करना है कि उन्हें equal, उन्हें chapatis मिल जाए. So one one तो दोनों को ही आएंगी equally. Okay, but उसमें से one जो है वो left होगी. तो उसे हम क्या करेंगे? हाफ ऑफ डिवाइड करेंगे. ओके, एक एक तो दोनों को ही आएगी, उसके बाद हाफ चपातीज भी हम दोनों में डिवाइड करेंगे, तब जाके वो इक्वली डिवाइड होगी. ओके, सो जो वन होगा, ये वन वाला, ये क्या होगा? होल नंबर. होल नंबर पार्ट मतलब ये बड़ा नंबर है ना यहाँ पर. सो वन ये होगा होल नंबर पार्ट, और ये जो वन अपॉन टू है ये है फ्रैक्शन पार्ट होगा. ओके, ये वन है होल नंबर और ये वन अपॉन टू ये फ्रैक्शन पार्ट होगा, और इन सभी को एक साथ जब हम लिखते हैं तो ये कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन. ओके, सो अ फ्रैक्शन विच हैज अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. है ना, जब हम होल नंबर के साथ हम जब फ्रैक्शन को लिखते हैं तो वह प्रॉपर फ्रैक्शन तो होता ही है, और उसे हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बोलते हैं. ओके, देन नेक्स्ट है कन्वर्टिंग एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सो 37 अपॉन 5 डिवाइड करना है. डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर. ओके, यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है? 37 एंड डिनोमिनेटर है 5. सो 35 अपॉन 5 दिया हुआ. ओके, सो यहाँ पर देखिए 5 5 7 35. ओके, 37 से ज़्यादा ना हो, हम ऐसे कितने टाइम पढ़ेंगे 5 की टेबल? 7 टाइम में. सो 35 एंड यहाँ पर देखिए 2 रिमाइंडर बच गए. सो 7 क्या आया? ये क्वेश्चन आया, और ये 2 जो है वह रिमाइंडर आया. ओके, सो सेकंड, ये फर्स्ट स्टेप था. सेकंड स्टेप में क्या था? राइट द क्वेश्चन एज द होल पार्ट नंबर पार्ट. जो ये 7 आया है वो क्या है? होल पार्ट हुआ उस नंबर का. ओके, देन नेक्स्ट 7 सेकेंड पार्ट में, हम सेकेंड स्टेप में देखते हैं कि राइट द रिमाइंडर ओवर द क्वेश्चन टू फॉर्म द फ्रैक्शन. ये होल नंबर जो 7 था एंड 2 अपॉन 5. ओके, सो 37 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7 जो ये होल पार्ट है एंड 2 अपॉन 5. ओके, सो यहाँ यदि हम इसे एक साथ फिर से करेंगे तो हम इसे करेंगे ये यहाँ से टेबल लर्न करके 5 7 35 और ये प्लस हो जाता है. ये न्यूमरेटर जो ऊपर का दिया होता है ये प्लस करते हैं, तो 5 7 35 और 2 35 36 37. तो ये आ गया 37 अपॉन 5. ओके, उसे ये हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा है ना. 7 जो ये 2 रिमाइंडर बचा हुआ है ना, और ये इसका डिवीजर कितना था? 5 था, और 7 जो था क्वेश्चन आया था. सो हम इसे इस प्रकार से मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं, कन्वर्ट करते हैं. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. ओके, नेक्स्ट देखिए कन्वर्टिंग मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. ओके, सो फर्स्ट देखिए ये 2 जो दिया है ये क्या है? होल पार्ट अपॉन 3 अपॉन 4. सो फर्स्ट में देखिए मल्टीप्लाई द होल नंबर एंड द डिनोमिनेटर. जैसा कि मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया है ना, सेम वही यहाँ पर बताया गया है. जैसे देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये कितना आ गया?
8। अब 8 में हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 प्लस करेंगे, ओके। सो 8 के बाद 9, 10, 11। सो देखिए 11 अपॉन 4, ये क्या आ गया आंसर, ओके। क्योंकि जब हम यहाँ से ये न्यूमरेटर इस डिनोमिनेटर को इस वाले से होल पार्ट से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे और जो ये न्यूमरेटर दिया है उसको हम प्लस करेंगे, जो भी आंसर आएगा इसमें उसमें हम ये प्लस करते हैं ना। सेकंड स्टेप देखिए, ऐड 8 एंड द न्यूमरेटर, जो ये 8 आया है इनका आंसर उसमें हम न्यूमरेटर ऐड करते हैं। सो 8 प्लस 3 11, और जो डिनोमिनेटर है वो चेंज नहीं होगा। सो राइट द सम ओवर द सेम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जो वो चेंज नहीं होता उसमें हम सेम लिखेंगे। सो 11 अपॉन 4, ओके। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन था, इसे हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, ओके ओके स्टूडेंट। सो नाउ योर होमवर्क, आप यूनिट फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो हमने अभी किया उसे आप अच्छे से एक बार फिर से रीड करेंगे, ओके, ताकि आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में प्रॉब्लम ना हो, ओके। सो बाय बाय, हैव अ गुड डे।